नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपके राशि पे जो सुंदरता के कारक हैं, जो लग्जरियस चीज़ों के कारक हैं, जो आपके कुंडली में प्रेम के कारक हैं, आपके सप्तम भाव मतलब वैवाहिक जीवन के कारक हैं, जो विदेश के कारकत्व को लेकर चलते हैं, जो लक्ष्मी पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे शुक्र देव कर रहे हैं गोचर। 25 दिसंबर मतलब इस दिन आप पर्व मना रहे हैं, यीशु को पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। यीशु आ रहे हैं और आपके शुक्र महाराज भी आपके लगन में आ रहे हैं, राशि पे आ रहे हैं। तो 25 दिसंबर 2023 को ये प्रवेश करेंगे और 18 जनवरी तक यहीं पे रहेंगे। तो यह जो गोचरी स्थित है, नए वर्ष में शुक्रदेव आपके राशि पे होंगे, आपके सिर पे होंगे, तो कितना बेहतर परिणाम मिलेगा। तो शुक्र मंगल की युति आपके लग्न पे बनेगी, तो थोड़ा सा तो रोमांटिक होना बनता है मित्र, थोड़ा सा नए वर्ष में झूमने का मौका तो मिलेगा आपको। यद्यपि मंगल महाराज भी 28 दिसंबर को निकल जाएंगे धनु में, तो यह जो युति बनेगी 3 दिन की बनेगी, ठीक है। फिर भी शुक्रदेव का आपके राशि पे गोचर करना कितना बेहतर परिणाम देगा, कहाँ से मिलेगा लाभ, इसी की चर्चा इस वीडियो पे। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया पुराने वर्ष में, तो भाई नए वर्ष में जाने के पहले तो सपोर्ट कर दीजिए ना, इतना तो बनता है। शुक्र सुंदरता के कारक हैं, शुक्र आपके जीवन साथी के कारक हैं, शुक्र आपके व्यापार के कारक हैं, और शुक्र आपके राशि पे आपके सप्तम भाव मतलब समग्र विश्व के कारक हैं। अतः जब शुक्र आपके राशि पे होंगे, आपके लगन पे होंगे, तो पूरा संसार आपकी ओर खींच कर आएगा। बहुत गजब की मैथमेटिक्स है। सप्तमेश जब आपके लगन में हो तो पूरा संसार आपसे परिचय करने के लिए बेताब होता है, इसलिए इस समय लोग आपसे आपका परिचय पूछेंगे, आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, भाई वो चाहेंगे कि आपसे उनका परिचय बने, ठीक है। तो यहाँ पे बेहतर परिणाम देंगे शुक्र महाराज, 3 नक्षत्रों में करेंगे गोचर। तो पहले वो गोचर करेंगे आपके विशाखा नक्षत्र में, विशाखा मतलब गुरु के नक्षत्र में, इसका मतलब इस बीच में आप गुरुतापूर्ण काम करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा होगा, आपकी बोलने की क्षमता गजब की होगी, आप किसी चीज़ के बारे में जानते कम है लेकिन समझा बहुत अच्छा देंगे, समझाने की कला अद्भुत होगी आपके अंदर। तो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, गुरु महाराज भी मार्गी हो रहे हैं 31 को, तो गुरु स्वतः मार्ग दे देंगे, बेटा आगे बढ़ो, आगे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शनि देव के अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे, अनुराधा आराधना का है, तो आप सुंदर सुंदर जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा नए वर्ष में। वैसे अगर आप प्लान कुछ थे लेकिन आपका जीवन साथी बोलेगा चलो मंदिर घूम के आते हैं, कोई धर्म स्थान घूम के आते हैं, तो आप नए वर्ष पे भ्रमण भी ऐसी जगह करने जा रहे हो जो धर्म से जिनका संबंध बने, धर्म से रिलेशन बने, ऐसी जगह आप घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह सुखद यात्रा होगी आपके लिए। आप बच्चों के साथ परिवार के साथ जाएँ, वहाँ पे आराधना उपासना करना श्रेष्ठ लाभ देगा। इसके बाद ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है और बुध महाराज इस समय 28 दिसंबर को बुध महाराज भी वृश्चिक में आ रहे हैं, 28 दिसंबर को बुध भी वृश्चिक में आ जाएंगे। तो भाई लाभ का स्वामी आपके लगन में, विदेश का स्वामी आपके लगन में, व्यापार का स्वामी आपके लगन या राशि पे, अष्टम भाव का स्वामी भी लगन राशि पे, तो चीज़ें बहुत तेज़ होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन गुप्त थोड़ी सी पीड़ा भी मिलेगी, और पीड़ा कब मिलेगी, जब गुप्त चीज़ें जीवन में आएंगी, तो नहीं गुप्त पीड़ा क्यों मिलेगी, थोड़ा सा यहाँ पे आप तुनक मिजाजी हो सकते हैं। अष्टमेश का जब भी आपके लगन पे गोचर होगा तो ध्यान रखिएगा, आयु संबंधी चीज़ों में तो वृद्धि होती है किंतु गुप्त जो पीड़ाएँ होती हैं ना, वो गुप्त पीड़ाएँ हमें थकाती हैं, हमें परेशान करती हैं। यहाँ के बाद मंगल महाराज गोचर करे जाएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है, खा पी के चद्दर तान के सो जाने का, और मौसम भी वैसे ही चल रहा है राधे राधे, ठीक है ना, मौसम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। भाई मौका मिले तो इसमें प्रातःकाल किसको जगना अच्छा लगता है, टेम्परेचर डाउन है, रजाई अच्छी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा खा पी के ज़्यादा सोने की आदत आपके शरीर में वजन को बढ़ा देगा, तो भोजन भट्ट मत बनिएगा, ठीक है ना, भोजन भट्ट बनने से थोड़ा सा शरीर में स्थूलता आ जाएगी, और ये जो मध्य प्रदेश है ना, MP आपका बड़ा हो गया तो फिर घटता नहीं, पेट की चर्बी जाती नहीं। तो शुक्र आपके व्यय भाव के स्वामी, शुक्र हल्के से मार्केश हैं, ठीक है,
तो जो मार्केश आपके राशि पे गोचर करेंगे तो थोड़ा सा दुविधा देंगे। बुध अष्टम भाव मतलब गुप्त चीजों को लेकर चलेंगे, तो थोड़ा सा सेहत को ध्यान में रखिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा है क्योंकि जीवन साथी आपको आगे बढ़ के सपोर्ट करेगा, तो अच्छा है। किस किस से दूर होंगे, काफ़ी दिनों से साथ में नहीं रहते तो इस बीच साथ रहने के योग बनेंगे, जीवन साथी और परिवार वालों के साथ रहने का योग बन रहा है। विदेश का स्वामी आपके लगन में है, तो विदेश से आप घर पे आ सकते हैं या विदेश में अगर आप हैं तो परिवार से मिलने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों का सुख मिलेगा। सदैव याद रखिएगा क्योंकि शुक्र आपके लगन में है, शुक्र आपके राशि में है, तो इस समय अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, आकर्षण आपके अंदर होगी, मतलब लोग आगे बढ़ के आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो भंवरे मड़राएंगे या दीपक जलेगा तो उसका आकर्षण आपको लोगों को खींचता खींचता, तो नए वर्ष में शुक्र का आकर्षण लेके आप जा रहे हैं, शुक्र की सुंदरता लेके जा रहे हैं, शुक्र का लग्जरियसपन लेके आप जा रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर होंगी। 25 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक बेहतर परिणाम देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि शुक्र मंगल की जो युति 3-4 दिन के लिए बन रही है, मन भटके नहीं, ठीक है ना। भटकाओ तो देखिए, हम बहुत आसानी से कह देते हैं ना मन भटकता है, हम मनुष्य मात्र हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी शक्तम नहन्नते या सेव्यते पंच भिरेव पंचाशा सक्तम किम नहन्नते। मतलब हमारी पांच जो इंद्रियां होती हैं ना, इनमें एक एक इंद्रियों को कहा गया है। कुरंग हिरण एक इंद्रिय के कारण मारा जाता है, श्रवण इंद्रिय, ठीक है ना। मातंग, मातंग मतलब हाथी, अस्पर्श सुख लेना चाहता है, हजारों हथनियों के बीच में होगा, नई हथनी देखे धक्का मारने जाएगा। पतंग कोई चीज़ को नज़दीक से देखने का, दीपक जलाओ गिर के मर जाता है। भृंगा, भृंगा मतलब भंवरा, नज़दीक से सूंघने का चलता है। और मीना, मीना मतलब मछली, हर चीज़ को चाट लेती है, हर चीज़ को खाने के। तो हमारे आग के अंदर तो पांचों विकार हैं, हम स्पर्श सुख भी लेना चाहते हैं, सुंदर देखना चाहते हैं, सुंदर सुनना भी चाहते हैं, जब थोड़ा रगड़ा भी मार के बढ़ना चाहते हैं, तो विकार तो हमारे आग के अंदर आएगा ही आएगा। तो इनको संभाल के चलना है, हम मनुष्य हैं, क्या है पशु और मनुष्य में यही अंतर है, कहाँ कैसे कब कितना भोग और उपभोग दोनों आपके नियमावली के तहत होने चाहिए। 2024 आपके लिए श्रेष्ठ जाए, उसके लिए आपको मंगल में शुभकामना, कोई दिक्कत नहीं है, संसार से आपका परिचय हो रहा है, शुक्र को मजबूत करके रखिए क्योंकि संसार में जो लग्जरियस चीज़ें हैं वो तो शुक्र ही देता है। राधे राधे।